स्टूडेंट्स, योगासन और प्राणायाम, इनका विकास करीब 2500 साल पहले मुनि पतंजलि ने हमें बताया है। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनिक जो नाता जो है, जो योग के साथ है, योग मीन्स कनेक्ट, शरीर और मन का तालमेल होना, इसे ही हमने कनेक्शन यानी शरीर और मन का कॉन्सेंट्रेशन कहा गया है। आजकल बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं होता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। तो आज हम लोग अपनी योग प्रैक्टिस में मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग ये करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वार्म अप एक्सरसाइज और एक नया आसन सीखेंगे कि जो आसन जो है वो अच्छा बहुत बेनिफिट्स दिलाएगा। आइए मेडिटेशन अपने ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। कीप योर बैक स्ट्रेट, close your eyes, hands on your thighs and gently close your eyes. Back portion straight, आंखें हल्के से बंद की हुई, normal breathing या deep breathing, दीर्घ श्वसन, 3 rounds. We will chant 3 times Omkar. Rachit, breathe out. Take a deep breath. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैंट 3 times गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पामी बच्चों, अभी हमने वार्म अप एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ना है। आज का जो हम लोग वार्म अप एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है शोल्डर रोटेशन। जैसा कि आपको पता है, नेक रोटेशन, हैंड एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, आई रोटेशन, उसी तरीके शोल्डर रोटेशन जो है वो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो आइए वार्म अप एक्सरसाइज 1 से 4 बार, 1 to 4 और 4 to 1, ऐसा हम लोग प्रॉपरली शोल्डर रोटेशन करेंगे, बराबर है। पहले 4 बार हम लोग 1 to 4 क्लॉकवाइज और बाद में 4 to 1 एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3,
फोर, थ्री, टू, वन। तो अभी हमने ओमकार चैंटिंग, प्रार्थना, गायत्री मंत्र और वार्म अप एक्सरसाइज शोल्डर रोटेशन सीखा, बराबर है? ठीक है। वार्म अप एक्सरसाइज, ओमकार चैंटिंग, ये सब होने के बाद नया टॉपिक, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग नया टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन ये नाम कहाँ सुना है? करेक्ट, मंथ ऑफ मई या जून में हमने ये भुजंगासन आसन सीखा था। भुजंगासन का ही एडवांस आसन जो है वो है तिर्यक भुजंगासन। सो वर्ड तिर्यक मीन्स वॉट, इसे तिर्यक भुजंगासन ये नाम क्यों दिया गया है? तिर्यक यानी ट्विस्टिंग। भुजंगासन को जैसे हम लोग अपर बॉडी ऊपर उठाते हैं वैसे ही सेम पोजीशन इस आसन में होती है, लेकिन वहां पर क्या करना है, हमें तिर्यक यानी अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। ये ट्विस्ट हम लोग जो देते हैं वो उसी तरीके से हमें पूरा स्नेक कोबरा जैसा पोजीशन लेता है वैसी अपनी पोजीशन होती है, और इसके लिए उसे भुजंगासन कहा गया है ये तो हमें पता है, लेकिन तिर्यक यानी ट्विस्टिंग, ये करते वक्त अपर बॉडी अगर ऊपर उठाने के बाद राइट साइड देखते वक्त लेफ्ट लेग को देखना है, और अगर ऊपर उठने के बाद लेफ्ट साइड है तो हम लोग राइट लेग को देखना है, इसके लिए उसे तिर्यक यानी ट्विस्टिंग, तिर्यक भुजंगासन ये नाम दिया गया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं तिर्यक भुजंगासन की प्रैक्टिकल की तरफ। अभी हमने तिर्यक भुजंगासन का प्रैक्टिकल देखा, आगे बढ़ेंगे इस आसन के लाभ जो है उसकी तरफ। इसके नियमित अभ्यास से शरीर लचीला, लवचिक, फ्लेक्सिबल हम लोग बनाते हैं, और मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, अपनी स्पाइनल कॉर्ड, उसको अच्छे से मॉलिश दिलाते हैं। कंधे यानी शोल्डर्स को मजबूती दिलाने में एकमेव आसन जो है वो यह आसन है। पेट के दर्द के लिए भी ये आसन बहुत बहुत उन पेशेंट्स के लिए आजकल डॉक्टर ट्रीटमेंट एज सच ये बताते हैं। साइटिका के पेशेंट्स हैं, अगर बैक पेन है, बैकएक है, बैकएक के प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ये ट्रीटमेंट के तौर पर बताते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस सावधानियों की तरफ आगे बढ़ेंगी। जिनको अति सक्रिय हार्निया है, एक्यूट अगर हार्निया का पेन है, पीठ और आंत यानी अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, तो उन्हें यह आसन वर्जित है। यह आसन करते वक्त पेट दर्द या पेट के ऊपर अगर ज्यादा प्रेशर आएगा तो वहां की वहां हमें तुरंत रुकना है। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें भी यह आसन स्किप करना है। स्पाइनल कॉर्ड का अगर ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें भी यह आसन स्किप करना है। सारांश में बच्चों, योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, योग रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी, योग रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी। धन्यवाद, थैंक यू।